हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सेल टेक पे। और आपको दिख रहा होगा आज ये जीएस लेके आया हूँ मैं। इसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। कोई भी इस बाइक को लेना चाहता है तो उसे इस पॉइंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे हम लोग। अभी इस लॉकडाउन में हमें एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है, तो हमने बेसिकली ये सेल्फ लेना बंद कर दी थी, तो हमने इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट किया था। तो BMW ने एक ग्रुप बना रखा है BMW ग्रुप के नाम से, जिसमें लोग अपने कंप्लेंट्स को, अपने सारी बातों को, जो कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसको डालते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रॉब्लम से, सेम प्रॉब्लम को फेस करते हुए डाला है वीडियो कि हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, मत धक्का देके स्टार्ट करना। जैसे ही हमने इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में डाला अपने ग्रुप में, बहुत सारे लोगों ने सेम GS और R दोनों के साथ ही लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम डाले कि इसमें बैटरी का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। बहुत सारे लोगों की बाइक स्टार्ट बहुत जल्दी, मतलब दो दिन तीन दिन भी नहीं चलाने के बाद बिल्कुल डाउन हो जा रही है, जिस इसको स्टार्ट करने के लिए सेल्फ जितना पावर चाहिए उतना दे नहीं पा रही है, तो बैटरी का इशू आ रहा है। तो बीच में जब कंप्लेन की गई तो कम से कम 7-8 दिन तक उन्होंने बोला कोई रिजोल्यूशन नहीं है, जब लॉकडाउन खुलेगा तब इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन उसके बीच में इसे धक्का देके स्टार्ट करना पड़ा, तो हम लोग ने ट्राई किया कि हम बाहर जाके आफ्टर मार्केट कोई बैटरी ले लेते हैं। तो दो तीन बैटरी हमने लिया, एमरॉन की लिया सेम पावर की, एक्साइड की लिया, लेकिन वो सेट नहीं हो पाई। तो उसके बाद हमने एक बैटरी लिया है, एक्साइड का ही है, SF Sonic का। उस बैटरी के से लगभग लग गया था लेकिन क्लैंप नहीं लग पा रहा था, बैटरी को हमने बैटरी को भेजा हुआ था तो क्लैंप फिट नहीं हो पा रहा था कि क्या इसका कैसे हमने सेट किया है। तो गाइज आपको ये बैटरी दिख रही होगी, ये बैटरी बेसिकली SF Sonic की है, जो एक साइड का ही एक ब्रांड है। और देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना, ये क्लैंप दोनों तरफ से माउंट होता है, उसके बाद एक क्लैंप लगते हैं। तो यहाँ से हमें ग्लेंडर से इसमें घिसाई करनी पड़ी तब जाके लगाए। तो इन्होंने अपना कुछ डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंजेज कर रखा है, जिसके कारण कोई भी बैटरी इसमें लग नहीं पाती है। और जो BMW ने जो इसकी स्टॉक बैटरी दी है वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी उसकी ख़राब दी है। जो मेरे साथ प्रॉब्लम आता तो मैं समझता कि सिर्फ मेरे साथ आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। तो दोस्तों आप भी, अगर आपके पास भी बाइक है तो आप ज़रूर इस पॉइंट को ध्यान रखें और इसके बारे में आप डिस्कस कर लें। तो हमें पता चला है कि कुछ फ्रेंड्स हमारे अभी जैसे ही लॉकडाउन खुला तो बैटरी का इशू सॉल्व कराने के लिए गए हैं, तो उसको BMW शायद कुछ फ्रेंड्स का फ़ोन आया था कि वो एक साइड की बैटरी दे रहे हैं। तो पता नहीं, हमने भी अभी अपॉइंटमेंट लिया है, दो तीन दिन बाद हम भी जाएंगे तो देखते हैं कि कौन सी बैटरी देते हैं वो। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है उसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही हम लोग की लगा रहे हैं तो अभी लगभग इस बाइक को 5 से 6 मंथ हुए हैं लिए हुए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिजिंग साउंड आ रहा है अंदर से। इस वाले जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग की लगाते हैं, इस पॉइंट में से बहुत ज़्यादा हिजिंग साउंड आ रहा है, जो ये भी बहुत ज़्यादा थोड़ा बियर्ड है, बहुत अजीब लगता है। तो इसके रिगार्डिंग भी हमने बात की अभी हम लोग, वो भी बोल रहे हैं कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे बाइकों में आई है और उसको सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं हम लोग जब सर्विस के लिए इसके जा रहे हैं अभी दो तीन दिन बाद, तो उसे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो गाइज ये बहुत बड़ा इशू लगे हमें, क्योंकि बीच में सभी लोगों को बाइक को धक्का देके स्टार्ट करना पड़ रहा है। BMW जैसी कंपनी की बाइक कोई लेके रास्ते में धक्का देके चलाता तो बहुत भीड़ लगता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो आप लोगों को बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं अपने वीडियो में कवर कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी इशू पता नहीं कैसे कंपनी ने दिया है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे BMW से कि इसे जल्दी से रिसॉल्व करे और नई बाइकों में इस प्रॉब्लम को दूर करे, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 3-4 महीने में बैटरी ख़राब होना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बाइक में या किसी भी कार के किसी भी बाइक में गाड़ी में प्रॉब्लम आती है। तो गाइज मेरे वीडियो में यही जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको? ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और देना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को, आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था इस प्रॉब्लम को। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें। अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं तो बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। तो गाइज थैंक यू सो मच।